आप इसका अगर एग्जॉस्ट नोट सुनोगे ना, जितने भी बाइक लवर्स है यहाँ पे, तो आई गेस आप सब यहाँ पे पिघलने वाले हो। तो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग एच डी ब्लॉग्स। कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड अरियन जैन ने ली थी होंडा 200X, जो एडवेंचर बाइक दिखने में है और काफ़ी कुछ आप उसमें एडवेंचर थोड़ा बहुत कर सकते हो और सिटी में भी अच्छा खासा माइलेज दे देती है। तो उसके बाद ना मेरा भी मन ऐसा हो गया कि भाई बाइक क्यों ना ली जाए यार। और अभी तक मेरे घर पे एक भी बार जब से मैं पैदा हुआ हूँ बाइक थी नहीं घर पे, सिर्फ एक्टिवा या फिर कार, तो उसके अलावा बाइक कभी आई नहीं। तो अब लग रहा था यार कि बाइक हो जाए। और क्योंकि कॉलेज में अगर जाते हो तो बाइक का तो आपको पता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का क्या सीन रहता है बाइक का और स्टूडेंट का। तो डिसाइड हुआ कि बाइक ली जाए। आपको थंबनेल में पता पड़ गया होगा कौन सी बाइक है। सो एनीवेज चलते हैं अब सीधा डायरेक्ट डिलीवरी लेते हैं और उसके बाद थोड़े बहुत जो मेरे इमोशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखो, जब मैं 9th में था पहली बार मैंने तब बुलेट चलाई थी फर्स्ट टाइम। और उसके पहले मैं मामा के घर गया था रायपुर जब, तो वहाँ पर मैंने उनके पास स्प्लेंडर भी थी, पैशन भी थी, शाइन भी थी, ये तीनों बाइक भी चलाई। तो तब मैंने अच्छी खासी बाइक सीखी थी। और 9th में जब मैंने पहली बार बुलेट चलाई ना, तब यार क्लासिक सीरीज से ना जो प्यार हुआ है ना, क्या बताऊँ आपको। अब आपको मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में बताऊँगा कि होंडा है ना CB350 क्यों, बुलेट क्लासिक 350 क्यों नहीं। तो अभी पहले डिलीवरी लेते हैं यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस ब्लॉग में। अच्छे से धमाकेदार एकदम एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाय द वे इंस्टाग्राम पे भी एक रील आने वाली है, तो वो जाके आप देख सकते हैं। और बाय द वे ये वाला ब्लॉग 4K में शूट हो रहा है, तो आप TV पे या फिर अपने बेस्ट डिस्प्ले पे देख लो। अब जो वर्जन मैंने चूज़ किया है बाइक का वो है एनिवर्सरी एडिशन। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक आता है DLX और एक आता है DLX Pro। अब उससे ऊपर जो है वो है भाई एनिवर्सरी एडिशन। उसमें अब दो कलर है, जो अपन ने लिया है वो आपको थंबनेल में दिख जाएगा और सिनेमैटिक में भी दिख जाएगा। बट उससे पहले एक और कलर ये आता है, ये वाला पूरा ब्लैक कलर का, ग्लॉसी वाला ब्लैक है ये, आप देख सकते हो। सेम इधर यहाँ पे भी सेम, सब कुछ सेम है बट इसका जो कलर है उसका फ़र्क है। और इस वाले वर्जन पे मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है, तो गाड़ी चलाते हुए सामने वाले को प्रॉब्लम होती है और कभी कभी सूर्य देवता आ जाते हैं तो अपनी आँखों को भी दिक्कत देता है। और बाकी जो DLX Pro और DLX का फ़र्क है वो एक इस चीज़ का है, और जो ड्यूअल हॉर्न्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उस चीज़ का एक आपको फ़र्क देखने मिलेगा। और 350cc में एक और ऑप्शन था अपने पास, वो थी भाई होंडा RS, CB350 RS। तो ये वाले पे क्यों नहीं गए, अपन फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और अपना जो कलर है वो ऐसा है बट इधर गोल्ड है, ये DLX है। और ये वाला जो ब्लैक कलर है ये है DLX Pro। फाइनली जो अपनी गाड़ी है वो यहाँ पे आके तैयार हो चुकी है डिलीवरी के लिए। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है भाई आपको इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो सुनाने के लिए। आप इसका अगर एग्जॉस्ट नोट सुनोगे ना, जितने भी बाइक लवर्स है यहाँ पे, तो आई गेस आप सब यहाँ पे पिघलने वाले हो। तो ये देखो भाई, ये इस चीज़ का मज़ा है यार इस गाड़ी में, ग्रीन कलर विद गोल्ड, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी एडिशन। इधर ना आपको एक हाइनेस दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके ऐसे निकाल रहा हूँ शॉर्ट, हाइनेस वगैरह दिख रहा होगा। और ये वाला गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे और ये यहाँ पे। काफ़ी समय हो गया है इसको सिर्फ वीडियो में देखा, बट आज हमने इसे सामने भी देख लिया और ले भी लिया, तो अच्छी बात है। चलो भाई, फाइनली अपना गाड़ी का डिलीवरी हो चुका है। अब अपन लेते हैं डायरेक्ट मोटो ब्लॉग सेटअप, अपना गाड़ी में रखा हुआ है। तो अब आपको हम मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग वाले सेटअप पे। सो ये हमारी चाबी है होंडा हाइनस की और यहाँ पे हमारी होंडा हाइनस CB350। क्या लग रहा है यार। तो आज अपन इसका मोटो ब्लॉग करेंगे। आई गेस आज अपनी आवाज़ अच्छी खासी आ जाएगी क्योंकि ऑडियो एक्सटर्नली रिकॉर्ड हो रहा है। देखो जुगाड़ समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना जय राम जी की।
अब बारी है बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने की। भाई कोल्ड स्टार्ट करी जाए, दिन में अगर आप पहली बार बाइक निकालते हो तो कोल्ड स्टार्ट करते हो या फिर ऐसे ही चला लेते हो, क्या करो? एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनो यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई गेस आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। आज मेरा जो वाइजर है ना यार हेलमेट का, वो निकल गया था, तो बारी आ गई अब नया हेलमेट लेने की। और अब इतनी अच्छी बाइक है तो यार एक अच्छा हेलमेट तो बनता ही है बॉस। अब अगर आप मीटर की तरफ देखोगे तो 400 किलोमीटर हो चुके हैं। ठीक है, मैं लेट बना रहा हूँ वीडियो, मुझे पता है बाइक को एक महीना होने को आ गया है। टाइम हो रहा है 5:46। चलो खैर बात करते हैं सब के बारे में। जय देखो भाई, आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ हुआ है। और अब बात करते हैं यार बाइक की, क्या क्या फीचर्स है, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे पसंद नहीं है, इस व्लॉग में बात करते हैं। देखो भाई, इस बाइक में ना जो गियरिंग है वो टॉल गियरिंग है। आप जैसे अगर फर्स्ट गियर पे हो और 20 की स्पीड के पहले अगर आप करते हो ना, तो गाड़ी ऐसे थोड़ी खटखट खटखट करना चालू हो जाती है। अब जैसे अभी मैं करूँगा ना, सेकेंड से उठाऊँगा तो नहीं उठेगी, तो आई गेस ये एक छोटा सा मुझे इशू लगा। चलो कोई बात नहीं, अंकल आ गए बीच में, चलता है। अभी अपने को इधर जाना है, वापस डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ऐसा है यार, सिटी में ना गियर इसमें जल्दी जल्दी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली तरफ, वो है भाई जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब स्पीडोमीटर। इसमें क्या क्या फीचर्स है देखते हैं। पहले अपने पास में जो अभी देखो ये इको लिख के है ना, इसका मतलब है इकोनॉमी मोड। इस गाड़ी में इकोनॉमी मोड है। और बाकी लोग जितना भी पूछने वाले हैं कि भाई इसमें कोई स्पोर्ट्स मोड वगैरह है क्या, नहीं भाई इसमें स्पोर्ट्स मोड बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें ना मेरे को पता पड़ा कि एक अपडेट आया हुआ है, ECU अपडेट जिसे बोलते हैं, होंडा बोलता है उसे, तो वो अपडेट आया हुआ है। वो एक बार हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, और इसकी फर्स्ट सर्विस भी आई गेस जल्दी होने वाली है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। पहला ये देखो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और अपनी एवरेज स्पीड वगैरह है, और क्या है इसमें, ट्रिप ए का एवरेज स्पीड आता है इसमें, ट्रिप बी का भी आता है। अभी इसमें रेंज भी दिखाई जाती है, देखो अभी दिखा रहा है 544 किलोमीटर का रेंज है इस गाड़ी में अभी एट प्रेजेंट, तो अच्छी खासी ये बात है। अब देखते हैं कि समय बताएगा कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसमें ना टाइप सी चार्जर भी है, तो टाइप सी टू आप अपना टाइप सी लगा सकते हो, टाइप सी टू माइक्रो USB, टाइप सी टू लाइटनिंग। अभी तो भाई माइक्रो USB आई गेस शायद ही कोई यूज़ करता होगा। ओफो देखो भाई, सैडल करता हूँ अब इस पर, देखो कितना ज़्यादा सही लगता है व्यू, बहुत प्यारा व्यू है इस पर, बहुत अल्टीमेट। यार ये क्या हो गया कांच पे, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है आपको, वरना यार ऐसा कोई कर जाता है ना, तूने क्या कर डाला, कर गई मैं, मिट गई मैं, सॉरी लिरिक्स इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं गाड़ी कितनी ज़्यादा रिफाइंड है। ये गाड़ी चलाने में ना ऐसी लगेगी आपको, ये मक्खन है यार, मक्खन बोले तो सही में मक्खन, कैसा एकदम स्मूथ होता है ना यार, वैसा है यार, एकदम फील है इस गाड़ी में, चलाने का ही वाइब अलग ही है। और अपन अभी आज पिरामिड सिटी वाले रोड में आ गए हैं भाई। अब आपको इसका हॉर्न सुनाता हूँ एक बार मैं, ये देखो हॉर्न देख लो भाई, कितना ज़्यादा तगड़ा है। और हॉर्न से बात याद है यार, जो अभी की क्लासिक है ना यार, उसके कंपेयर में अगर देखा जाए ना तो भाई इसका हॉर्न ज़्यादा अच्छा है यार। अपन बात करेंगे क्लासिक वगैरह से भी, इसको कंपेयर करेंगे। मेरे फ्रेंड के पास अभी क्लासिक है एट प्रेजेंट, नया वाला, और आपने देखा होगा अभी जैसे दो लोग जा रहे थे, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, तो वो लोग बाइक को ना घूम घूम के देखते हैं। ये गाड़ी ना रोड प्रेजेंस गाड़ी का अल्टीमेट भाई। अगर एक टिप देता हूँ आपको, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो भाई, ढूंढ रहे हो कुछ, समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ढूंढ सकते हो यार, बहुत इजीली आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ये गाड़ी के बाद आई गेस। इसमें ना हजार्ड लाइट है, ये देखो भाई ये इसका हजार्ड लाइट का स्विच है यहाँ पे, ये चालू हो गए चारों इंडिकेटर। और हॉर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक और बार बजाते हैं यार, मज़ा आया। ओम फो धर राइटें काट रही है,
अभी इस वाले व्लॉग में ना मैं मोटो व्लॉग काफी ज्यादा कम बना रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे इस वीडियो को एंड भी करना है और वीडियो आई गेस काफी ज्यादा लंबा हो गया। अब बारी आ गई है यार लंबे वीडियोस की, है ना। आप कमेंट करके बताओ अब मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कुछ शॉर्ट राइड स्टार्ट की जाए, वो करेंगे हम। और ब्रेकफास्ट राइड तो मैं एवरी सैटरडे संडे प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं। अगर आई होप आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर पाओ, मैं ऐसा भी कुछ प्लान करता हूँ। टिपिकल एवरी इंडियन रोड, गौ माता जी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे और हमारे ये प्यारे सर जो जा रहे हैं ये भी मिलेंगे आपको। चलो भाई अभी अपन अपने घर पहुंच गए, अब इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। एक बार आपको उसका सामने से व्यू दिखा देता हूँ यार, इसका हेडलाइट वगैरह काफी ज्यादा अल्टीमेट है यार वो चीज। एक मिनट, ये देखो भाई ये पीछे से गाड़ी का लुक है। अब ये साइड से आप लुक देख सकते हो कैसा क्या है। सिनेमैटिक में तो आपने खैर देखा, थोड़ा ऊपर जाते हैं ये देखो भाई इसके हेडलाइट्स क्या लग रहे हैं, मजा आ रहा है देख के।